प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं कुत्ते के बारे में कि कुत्ते को पालना घर में शुभ होता है या अशुभ। वीडियो काफी रोचक रहने वाला है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को अपने घर में पालतू जानवर पालने का शौक होता है। किसी को बिल्ली पालना पसंद होता है तो किसी को खरगोश पालना पसंद होता है, तो कोई तोते को पालतू जानवर बनाना पसंद करता है। लेकिन इन सभी में कुत्ते का पालतू जानवर के रूप में पालने का चलन बहुत अधिक होता है। घर में कुत्ते पालने के कई फायदे होते हैं। ये हमारे घर की रक्षा करता है, अकेले रहने पर हमारे मनोरंजन का साधन भी बनता है और साथ ही में मालिक को लेकर काफ़ी वफादार होता है। वैसे कुत्ते पालने से काफ़ी फायदे होते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि आपको वास्तु के अनुसार कुत्ता पालने से मतलब कैसे फायदे हो सकते हैं कैसे नहीं। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को पालने का महत्व बताया गया है। इसलिए यदि आपके घर में कुत्ते को पालने का विचार नहीं किया है तो हम दावा करते हैं कि फायदे को जानना आप कुत्ते पालने में का विषय के ऊपर आप मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए क्या फायदे हैं उनकी चर्चा करते हैं। जब भी आप कुत्ता पालें तो हमेशा काले रंग का कुत्ता ही पालें, क्योंकि दूसरे रंग का कुत्ता पालने से फायदों में कमी नहीं आती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि काले कुत्ते को पालने में सबसे अधिक लाभ मिलता है। इस कारण ये है कि काला कुत्ता पालने से शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं उनके ऊपर शनि की कृपा दृष्टि बनी रहती है। कुत्ता पालने से घर में होने वाले लड़ाई झगड़े बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही में इस कुत्ते की वजह से आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुत्ते को रोजाना खाना खिलाने से शनिदेव खुश होते हैं। इसलिए यदि आप किसी कारणवश घर में कुत्ता नहीं पाल सकते तो सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने से काफ़ी फायदे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुत्तों को रत्न माना गया है। कहा जाता है कि कुत्ते को पालतू जानवर बनाने से कई तरह के ग्रह दोष दूर होते हैं। साथ ही में जिन लोगों की कुंडली में कोई दोष या किसी ऊपर साढ़े साथी मंडरा रही है तो कुत्ते पालना अच्छा रहता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते पालने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं करती, साथ ही कुत्ता घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह कुत्ते को पालने में घर में खुशियाँ और धन दोनों की आवक होती है। मतलब कुत्ते को काफ़ी शुभ माना गया है। काफ़ी इसके फायदे बताए गए हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिनसे आप काफ़ी जो लाभ हैं वो ले सकते हैं। कुत्ते के घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं करती, साथ ही कुत्ता घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह कुत्ते को पालने से घर में खुशियाँ और धन दोनों की जो आवक है वो बनी रहती है। कभी भी घर में जो कष्ट हैं, रोग हैं, पीड़ाएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो घर में नहीं आती हैं। मतलब कुत्ते के रहने से काफ़ी कुत्ते को ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है। अगर कुत्ता घर में रखें तो यह अच्छा बताया गया है। जो लोग राहु केतु के प्रभाव से पीड़ित हैं उन्हें कुत्ते को घी की रोटी खिलानी चाहिए। इस उपाय से शनि की साढ़े साथी कालचर्प दोष भी दूर होता है। इस उपाय का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। घर में कुत्ता पालने से बुरी शक्तियाँ जैसे भूत, प्रेत, आत्मा आदि इत्यादि नहीं आते। ये लोग कुत्ते से भी खाते हैं, इसलिए उस घर से दूर रहना ही पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुत्ता अगर घर में हो तो मतलब भूत, प्रेत जैसी आत्माएं हैं आदि कुत्ते वो भी कहने का मतलब दूर होती हैं। साथ ही साथ में घर में मतलब ये घर से दूर रहती हैं, और कुत्ते को अगर घर में इनके साथ में सॉरी अगर घर में रखा जाए तो घर का जो वातावरण है वो भी सकारात्मक तरीके से बना रहता है। मतलब नकारात्मक जो ऊर्जा है वो नहीं आती है। इतना शुभ कुत्ते को ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। इसके साथ साथ में ये मालिक के प्रति काफ़ी वफादार रहता है, घर के सदस्यों की रक्षा करता है, राहु केतु को शांत करता है, शनि की साढ़े साथी से निजात दिलाता है। बहुत से हैं को इसके फायदे हैं, जितने बताएं उतने ही कम हैं। तो आप अगर कुत्ता पालने का विचार कर रहे हैं तो विचार न करके ये काम जल्दी कीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी जैसे आप सोचते हैं विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्य उदय को लेकर, अंक को लेकर, इस ग्रह क्लेश से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप उनसे बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं।
तो फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर से एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।